देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। आज की मुलाकात काफी खास रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक बड़े ही खास व्यक्ति से कराने वाला हूँ। किनसे कराने वाला हूँ ये जल्दी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सियासी तापमान बढ़ा चला जा रहा है, क्योंकि चुनाव चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे में रोज की उठापटक, रोज की टेंशन, रोज की सिरदर्दी, रोज की एक के बाद एक आती ब्रेकिंग न्यूज से हम सब अब ऊब चुके हैं। लेकिन जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक हम किसी और परेशानी में थे, किसी और टेंशन में थे। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, अब इंतजार है कि 10 मार्च को किसकी किस्मत खुलेगी। किस्मत किसी की भी खुले, लेकिन उससे पहले हम सब सोचते हैं अपने मन की बात सुनना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काश मेरे मन की ये बात कर देते, कि काश अखिलेश यादव ये बात बोल देते, ये मेरे मन की रहती, काश योगी आदित्यनाथ साहब मेरे मन की ये बात रख देते। हर कोई चाहता है उस आवाज में उन बातों को सुनना। आज सारी बातें आपको सुनाएंगे उसी आवाज में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे स्टार, एक ऐसे सितारे जो आजकल तो बड़ी सुर्खियों में है, काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है। क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है, ये नाम खुद बताएगी ये तस्वीर, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर अब चलने वाली है। ये वीडियो बताएगी आपको कि आज आपकी मुलाकात दरअसल किस शख्सियत के साथ होने जा रही है। वीडियो को प्ले करिएगा सर। जब मैं थोड़ी देर पहले वाराणसी पहुंचा था तो DLW में मेरी मुलाकात कुछ दिव्यांग साथियों से हुई थी। अलग अलग प्रतिभाओं के धनी इन साथियों से काफी देर तक मेरी बातचीत हुई। एक बच्चा तो मिमिक्री में बहुत माहिर था। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। क्या शुभ नाम? सर अभय कुमार शर्मा। काफी स्टैंड अप कॉमेडियन भी, मिमिक्री आर्टिस्ट सर। अरे वाह, अक्षर सर के लाफ्टर चैलेंज में भी मैं था सर। अच्छा, हाँ सर। किसकी मिमिक्री करो सर? आपकी, राजनाथ सर की। अच्छा, हमारी करो। आपकी? हाँ। जैसे मन की बात में। हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर मैंने देखा तमाम लोग जो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग लोग स्वेच्छा से आकर के और जिस सहृदयता से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बढ़िया। चलिए, तो अब जिनको आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जिसकी बात कर रहे थे, जिस शख्स को वो साथ में जिनके सामने खड़े थे, जिनकी वो पीठ थपथपा रहे थे और बोल रहे थे बहुत बढ़िया, इनका नाम है अभय कुमार शर्मा। अभय कुमार शर्मा साहब एक हुनर के धनी हैं, किसी भी नेता की हूबहू आवाज़ निकाल लेते हैं। विश्वास नहीं होता ना, आज विश्वास होगा क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं अभय कुमार शर्मा साहब। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। अभय कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से, शायद थोड़ा सा विलंब हो गया, तय समय से अधिक हमने समय लिया, लेकिन तकनीकी कारणों के वजह से ऐसा हुआ। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अभय जी, काफी देर से हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे थे, वो लगातार हमारे PCR बता रहे हैं कि लगातार मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, वो आपको सुनना चाह रहे थे काफी देर से। तो सबसे पहले तो अभय जी, मैं इसी से चर्चा शुरू करूंगा कि आपके बारे में सब हम बताएंगे, A to Z बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इस हुनर को आपने कब हासिल किया, कब आप इस हुनर के मालिक बने, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, बचपन से रेडियो हमारी दुनिया रही है और
रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह जिस तरीके से आती थी तो हम उसकी कॉपी वगैरह तो करते थे, लेकिन एक आर्ट के रूप में, टैलेंट के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में जब मैंने प्रवेश लिया, वहां पर फ्रेशर पार्टी और यूथ फेस्टिवल में जब मैंने परफॉर्म किया, लोगों की अप्रिसिएशन मिली, उसके बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये एक विधा के रूप में और ये एक प्रतिभा के, एक टैलेंट के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में हमारे साथ जुड़ सकती है, तो हमने इसे कंटिन्यू रखा। और क्योंकि हम देखते थे बहुत सारे जो दृष्टिबाधित लोग या दिव्यांग लोग थे, कोई कविता लिखते थे, कोई गाने गाते थे, लेकिन कॉमेडी के क्षेत्र में कोई नहीं था, और हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, तो हम तो लोग हम पर बाई बर्थ हंसते थे बचपन से, तो हमारी परिस्थिति पर हंसते थे, अब मैं कॉमेडियन हो गया तो लोग बातों पर हंसते हैं, तो हमने भी सोचा कि यही एक रास्ता है जिंदगी में कि लोगों को हंसी दी जाए, खुशी दी जाए। और BHU में प्रवेश के बाद हमें ये लगा कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभय जी, आपकी काफी वीडियो मैंने तो देखी है, हमारे दर्शकों ने भी देखी होंगी आपकी काफी वीडियोस, अब तो आप काफी पॉपुलर हैं, हर कोई जानता है आपको। अभय जी, ना तो मुझसे इंतजार हो रहा है, ना ही हमारे दर्शकों से इंतजार हो रहा है, समय बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। आपका ये मंच है, आपको ये मंच पर आज हमारे दर्शक सुन रहे हैं, और हमारे दर्शक सबसे पहले सुनना चाहेंगे आपको कि वो जिन नेताओं को जो बातें कहते हो सुनना चाहते थे लेकिन सुन नहीं सके, आज आपके थ्रू उन बातों को सुनवाएंगे। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी, तो बहुत बड़ी बात आपने कही, दर्शक ही किसी आर्टिस्ट को, किसी एंकर को, किसी को भी बहुत बड़ा बड़ा छोटा या जो भी है अपने प्यार से वो नवाजते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आवाज में आप ही बताएं, मैं तो आप ही को अभी दर्शकों का प्रतिनिधि मान के चल रहा हूँ, तो आप ही मुद्दा, आप ही चीजें तय करें, मैं स्पॉन्टेनियसली अपनी बात रखूं। ठीक है, 15 लाख के मुद्दे पर काफी लोग आज भी पूछ देते हैं कि 15 लाख क्या था, 15 लाख कब मिलेंगे, उसी पर थोड़ा सा। जी, मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल और पहले भी एक विषय चलता रहा है कि 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आएंगे या लोग इस प्रकार की बातें इस प्रतीक्षा में हैं कि जो खासतौर से विपक्ष के लोग हैं उनके लिए मुद्दे का काम कर रहा है आजकल। अब ये सही है कि जिस प्रकार से जितना ब्लैक मनी है अगर वो सचमुच में वापस आ जाए तो भारत के एक एक परिवार के खातों में यूं ही 15-20 लाख जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अड़चने होती हैं जो आप सत्ता में रहने के बावजूद भी जिन बाधाओं से आप पार नहीं पा सकते। आप बताइए, मुझे तो क्या करना है, अपने देश के, अपने जनता के खुशहाली के लिए ये 15 लाख रुपए अगर एक एक व्यक्ति को देने के लिए हमें कहीं से पैसा लाने के लिए कुछ करना हो तो सरकार करेगी, लेकिन जो पेचीदगियां हैं इसमें, जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, वो इतनी व्यापक हैं कि ये वादा, हालांकि ये कोई वादा नहीं था, ये पूर्वानुमान था जिसे विपक्ष आजकल एक वादा किया हुआ कहकर के जनता के बीच में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, शानदार। अभय जी, एक और है नेताजी हमारे जिनको तो पूरा देश बैठा रहता है कि उनको सुनेंगे, उनको सुनेंगे, और आपकी मिमिक्री उनके अंदाज में, लालू प्रसाद यादव साहब। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है आपने, आई ऑलवेज एंटरटेन द पीपुल, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को खुशी मिले, और ये
ब्लैक मनी का बात किया, काला धन, रामदेव, अन्ना हजारे, ये बोला कि रामलीला मैदान में योगासन करेंगे, और जब पुलिस आई तो रामदेव कुदासन कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला 15 लाख रुपया, सारा बच्चा लोग जो था बोला मम्मी पापा जी 15 लाख, और हमारा तो पूरा टीम है, 7 गो बेटी 2 गो बेटा और हम और राबड़ी 11, हमारो के करोड़ों भेटाई, लेकिन सब बंद कर दिया। पहले बोला कि एटीएम करो, अब बोलता जब पेटीएम करो, मैंने पेट में जमा करो। वाह, शानदार शानदार। एक और नेता जी, अब लालू प्रसाद यादव जी की बात हुई है तो लालू प्रसाद यादव जी के रिश्तेदार हैं, आप समझ गए होंगे, मुलायम सिंह यादव जी। जी हवा मुख्यमंत्री और हवा शिवपा, और ये लोग बोलते हवाई काला था के बाद बोलता, लेकिन हवा किसी पार्टी का करता कोई कार्ड है, हवा का कोई लगे, अब हम हवाई पास कोई पैसा होता है उत्तर दिन बोला हमारे लड़का मुख्यमंत्री है, अब फिर मुख्यमंत्री है। चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार। अभय जी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा स्वाद आ गया कार्यक्रम में आपके जरिए। अब मुलायम सिंह यादव जी की बात हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव जी उनके सुपुत्र तो दिन रात हेडलाइंस पर हेडलाइंस बना रहे हैं, ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग दे रहे हैं, उनको लेकर भी जरा कुछ कह दीजिए। योगी आदित्यनाथ को अगर वो मिलेंगे तो अखिलेश यादव जी क्या बोलेंगे ये बताइए आप। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी है और केवल अपने लोगों के लिए, कुछ गिने चुने अधिकारियों के लिए उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी और आज एक जनता के रूप में भी और एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने सही रास्ते पर ले जाने का कार्य किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। हमने लोगों को लैपटॉप दिया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमारे बनाए हुए मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किया। इटा काटने से पुलिस को जो है कि आधुनिक सुविधा पुलिस को हमने दिया, और पुलिस के साथ साथ ये जो एम्बुलेंस है ये केवल नाम और नंबर बदल करके अपना बना रहे हैं। और तो और शिक्षा का इतना बुरा हाल हो गया है, अंध विद्यालय तक ये बंद कर दे रहे हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है अभय जी कि अखिलेश यादव जी का ऑडियो बाइट चल रहा है, उनकी कोई बाइट चल रही है और हम और आप कुछ चर्चा कर रहे हैं उस बाइट को लेकर, बिल्कुल ऐसा महसूस। ये दर्शकों का प्यार है, आप जैसे पत्रकार साथी अपना स्नेह दे रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। चलिए चलिए, अब चलते हैं हम बिहार की ओर। बिहार की ओर जब चलेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री जी की भी जरा, अगर वहां के मुख्यमंत्री जी सामने आए और लालू जी के बारे में अगर कुछ कहें तो क्या कहेंगे नीतीश जी। भाई ये लोग तो पूरा जो है कि यादव लोग का कुनबा ही बनाए हुए थे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, क्या बना रहे थे। और हम तो सरकार चलाना मुश्किल हो गया था, पूरा बिहार भी देखा और पूरा देश भी देख रहा है,
कैसे काम कर रहे थे, तो चाहे कुछ भी करे, अब बिहार की जनता इनको सत्ता नहीं देने वाली है। हम लोग तो लगातार लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। शानदार शानदार। हमारे दर्शक लगातार जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट कर काफी पसंद कर रहे हैं आपको, आप बने हुए हमारे साथ। अब जब बात चली रही है तो कहां राजनाथ सिंह जी को लेकर आप बड़ी शानदार उनकी आवाज निकालते हैं, राजनाथ सिंह साहब। निश्चित तौर पर आपके दर्शक जिस प्रकार से स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके इस स्नेह ने हमें एक बेहतर कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया है। और निश्चित तौर पर मैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की निंदा लोग कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य किया है, और हमने भी जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय से संबंधित सुधार किए हैं, ये सारा कार्य हो रहा है देश में, ऐसी बात नहीं है, जनता देख रही है। अब अगर हम इतने बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं बीजेपी के, तो योगी जी क्या कहेंगे इस पर? योगी जी नाराज हो जाएंगे कि आज भाई अभय जी ने सबकी मिमिक्री की लेकिन मेरी नहीं की। तो योगी जी क्या कुछ कहेंगे आजकल के माहौल को लेकर, ये बताइएगा जरा। योगी जी देखिए, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश गुंडई का प्रदेश नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश नहीं हो सकता। इसे इन सारे चीजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्य किया। पूर्व के सरकारों में व्याप्त थी उनको हमने अपने स्तर से कार्य करके सुधार करके बदलाव करके जिन अपराधियों के ये मुकदमे वापस ले रहे थे उन अपराधियों पर हमने मुकदमा जारी रख करके और महिलाओं के सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की स्थापना करके हमारी सरकार ने प्रदेश को बदला है। तो अब इनका तो कहना है, चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो इनको कहना है, तो इसलिए कह रहे हैं। बाकी जो परिवर्तन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी पिछली बार की तरह ज्यादा से ज्यादा सीट दे करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करने जा रही है। बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। आपकी एक और जो हुनर है उस हुनर में एक आपका आपको बताता हूं, आपको शायद किसी ने बताया ना हो आज तक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कहा जाता है कि उनकी आवाज बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, वो क्या बोल रहे हैं वो बहुत कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि वो बोलते ही बहुत कम है, लेकिन आप उनको भी आवाज दे देते हैं। मनमोहन सिंह जी अगर आज के हालातों पर कुछ बात करें तो वो क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी यही लाइन सुन के एग्जैक्टली एक किसी कॉमेडियन की मतलब बात थी कि मनमोहन सिंह जी दुनिया के अकेले आदमी हैं जिनकी मिमिक्री मौन रह के की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मनमोहन सिंह जी ने मतलब कि देश को इतना बेहतरीन इकोनॉमिकल रिफॉर्म दिए कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती और भारत के बारे में बोलती है। और 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, लाल किले से उन्होंने बोला और बहुत कुछ बोला समय समय पे, तो मैं उनकी मिमिक्री बोल के कर सकता हूँ जी। तो वो इस तरह से बोलेंगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालिया चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40% टिकट दे करके
उन्हें समाज में आगे लाने में अपनी भूमिका निभाई है। ये महिलाओं के साथ साथ समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने में भी कारगर होगा। जी इस प्रकार से बहुत 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 शानदार तालियां और ऋषभ के लिए, बहुत बहुत शानदार। अब जाते जाते मैं आपसे चाहूंगा कि अपने कुछ दर्शकों के कमेंट भी अगर आप पढ़ पाए तो कमेंट जो है कि काफी उत्साहवर्धक होते हैं। नहीं तो... बिल्कुल कमेंट में दरअसल अब मैं तो हूँ ऑन एयर, मैं स्टूडियो में हूँ, अब टेक्निकल टीम बता सकती है केवल, तो वो हम आपको वो आप देख लीजिएगा बाद में, वो तो लगातार सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ थैंक यू मुझे बिल्कुल। और अभय जी पता नहीं था हाँ अच्छी अभय जी अब जाते जाते वो माहौल आप ही बना सकते हैं, आप इकलौते शख्स हैं जो वो माहौल बना सकते हैं, क्योंकि जब हॉडी मोदी हो रहा था अमेरिका में तब मैं नहीं था वहां पर, लेकिन मैंने सुना है कि आप वो एम्बियंस वो माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं, एक उस पर हो जाए छोटा सा। अच्छा उसमें ये होता है सुने कि जो हमारी पब्लिक है हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्यार करती है और जब उनकी सभाएं होती हैं तो वो उमड़ पड़ती है पूरी तरीके से अपने भावनाओं के साथ शोर में बदल देती है। तो किस तरीके से देखिए मोदी मोदी होता है करके होता है। बहुत शानदार अभय जी, बहुत शानदार अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, और आपका जो हुनर है उसका आज मैं आपका सबसे करीबी फैन बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहते हो तो आपके लिए नहीं बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बाकी लोगों तक पहुंच पाए, और बस आपसे यही आग्रह रहेगा कि ये दिव्यांग जन भी बहुत लोग बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, बहुत लोग अच्छे गायन प्रस्तुत करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी इन चुनावी मंचों में या साधारणतया भी समय दें और इनके भी संबंधित मुद्दों पर अपने खबरों के दौरान चर्चा करें। बनारस में हमारा एक दृष्टिहीन विद्यालय है जिसका आकार छोटा कर दिया गया, और मैं बताऊं कि दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो वहां पे 60 लाख रुपए ग्रांट के न मिलने के वजह से स्थिति इतनी विकट हो गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो आप इन सब पर भी बारीक नजर रखें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता से अपील है कि वो वोट जरूर करें संबंधित राज्यों में जो भी हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो बात कही है उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर भी हम बातचीत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभय जी हमारे साथ थे, अभय कुमार शर्मा, जिन्होंने आज इतने दिनों से चली आ रही सियासी टेंशन को कम करने का काम किया, इसलिए हमने आज इनको आमंत्रित किया था कि रोजाना तीखे मुद्दों पर बहस होती है, चर्चा होती है, बातचीत होती है, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने की कोशिश की है ताकि आपका बीपी भी कंट्रोल में रहे। कल से एक बार फिर से सियासी धूमधाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एक और मुद्दे के साथ सुपर प्राइम टाइम भारत एट टाइम में। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।